जी कैसे हैं आप? जवाब ठीक है? आप पहले से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है डॉक्टर साहब। मैं ख्याल काफी आपको समझ आ गया होगा, एक्टिव वाइस पैसिव वाइस। सर काफी हद तक समझ आ गया आपको, है? यस क्या ख्याल है, पूछूं आपसे? काम तो मुझे भेजा आपने, मुझे चले, मैं अच्छा देखा आपने, मैनेज किया आपने। अगर आप अपनी जबानी बता सकते हैं मुझे, अगर आपसे पूछूं मैं एक्टिव वाइस, तो आप चेंज कर पैसिव में, कैन यू चेंज फ्रॉम एक्टिव वाइस टू पैसिव वाइस इफ ही आस्क यू? यस सर, पूछें। ही विल बी टेकिंग टी, चेंज, ही विल बी टेकिंग टी। ओके सर, जबानी बताएं, जबानी बताएं, छोड़ें लिखना की बात, छोड़ें जबानी बताएं आप। इतना आपको एक्सपर्ट होने चाहिए कि आप जबानी मुझे बता सके, ठीक है ना? सर ही हैज बीन टेकिंग टी। दोबारा बताओ। ही हैज बीन टेकिंग टी। टी विल बी बीइंग टेकन बाय हिम, टी सॉरी सर, विल बी बीइंग टेकन बाय हिम, ही विल बी बीइंग टेकन बाय टेकिंग हिम। मी। अच्छा अब मुझे बताओ कि शी हैज टेकन द डिनर, शी हैज टेकन द डिनर। She has taken the dinner. She has been sorry sir. She hasn't taken the dinner. The dinner has been taken by them. हर दे बोला था हर हर शी ओके शी हर में जाएगा ना। सर। देखें जवाब हो ना, आप टेस्ट खुद लिया करें, आप खुद चेंज किया करें, खुद टेंसेस चेंज किया करें, पैसे 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 वैसे चेंज करें, एक्टिव वाइस में सब भी कर सकते हैं आप, पैसे वैसे एक्टिव में चेंज करें, बिल्कुल आप 100% एक्सपर्ट हो जाएंगे आप इसमें, ठीक है ना? सर चले मैं आपसे और पूछता हूं। आई टुक द मेडिसन, आई टुक द मेडिसन, The ना ना दी मेडिसन, medicine took by गलत गलत गलत, me. ना गलत गलत कर दिए। दी मेडिसन वॉज टेकन बाई मी, मामला अब गड़बड़ है ना अभी। बल्कि थर्ड फॉर्म लगेगी आपकी पैसे वाइस में, और से पहले वाज आ जाएगा ना पैसे वाइस में, पास में यस बैठे तो सर पैसे वाइस में वाज आ जाएगा ना, हेल्पिंग वर्ब। इसके हेल्पिंग यस वर्ब को रटा लगाओ, रटा लगाओ कि हेल्पिंग वर्ब पैसे वाइस के जो है, ठीक है ना? यस आगे है कि दे रीड द न्यूज पेपर, दे रीड द न्यूज पेपर, जी चेंज करें पैसिव वॉइस में, दे रीड द न्यूज पेपर। दी न्यूज पेपर दी न्यूज पेपर हैड ये कौन से सर देखो ना पहले वो टेंस का पता होना चाहिए, टेंस है, फिर आप चेंज कर सकते हैं पैसिव वॉइस में। दी न्यूज पेपर इज रीड बाय देम, बाय देम दी न्यूज पेपर इज रीड बाय देम जी वही पूछें सर जी और पूछें सर। बहुत पूछता हूं मैं आपसे। वी आर प्लेइंग द फुटबॉल मैच, वी आर प्लेइंग द फुटबॉल मैच, मैच
जी फुटबॉल, जी फुटबॉल अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम, कैसे हैं विश्वेश? आप ठीक हैं? आप यस सर, मैं ठीक हूँ सर। ठीक है, आपने काम भेज दिया आप दोनों ने, तो मैं काम देखा मैंने, उसको मैं और देखूंगा सर से बैठ के। तो एक्टिव एक्सेसिव वाइज का मामला, मैं जबानी पूछ रहा हूँ अभी, मैं चाहता हूँ कि आप जबानी मुझे बता सकें, जवाब ने एकदम मुझे सही बताएं, बाकी गड़बड़ हो रही है आगे ना। तो शुएब आप से पूछता हूँ मैं, आप मुझे बताएंगे आपने क्या बताया मुझे अभी अभी। जवाब मैंने वी द फुटबॉल मैच, जी चेंज किया पैसे वाइज में। The football, the football we has. Mm-hmm. जी शुएब आप बताएं। सर क्या sentence क्या है सर? वही हाँ, टेस्ट तो भी लेता हूँ भी आपका ना मैं, वो तो मैं आपको सर प्रैक्टिस में पूछ रहा हूँ इसके बारे में। आज टेस्ट है ना आज आपका? सर आज तो नहीं है सर, आज टेस्ट है या कल है सर? नहीं, आज है ना। नहीं सर, आपने कल कहा था कि परसों है सर। अच्छा चलो ठीक है, वो मैं फिर मैंने परसों है, कल के कल है सर, कल कल टेस्ट है, ठीक है? यस सर, यस सर, कल टेस्ट है और आज प्रैक्टिस का दिन। आज रिवीजन रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है? यस सर। अच्छा अब ये मैंने अभी बोला है एक्टिव वॉइस बोला है मैंने, इसको चेंज करना है पैसिव वॉइस में। वो ये है कि वी आर प्लेइंग द फुटबॉल मैच, शुएब चेंज कर उसको पैसिव वॉइस में, जबानी चेंज करें आप। अगर लिखने का मतलब है लिख के कर लें, क्योंकि इतने एक्सपर्ट अब नहीं हुए ना, लिख के कर लें, दोनों लिख के कर लें आप, कोई मसला नहीं है, इतने एक्सपर्ट नहीं हुए ना अभी आप। यस सर, लिख के कर लें, वी आर प्लेइंग द फुटबॉल मैच, दोनों लिखें, शाबाश, जिसका बन गया मुझे बता देना। सर इसका ये बनेगा सर, द फुटबॉल मैच इज बीइंग प्लेड बाय अस। बिल्कुल ठीक है, लेकिन शुरू में आप हमेशा ना गुड से तभी ठीक था आपने, वेरी गुड, लेकिन शुरू में आप दी बोला गए, दा नहीं बोलेंगे, आप दा बोलेंगे सेंटर या फिर मैं फिर दा बोलेंगे, मैंने शुरू में दी बोलेंगे, याद रखिएगा पास को, ठीक है? ओके सर, दी सर, दी आपकी शुरू नहीं आगे, तो ये मामला आपको पहले क्लियर कर लें। अच्छा ओके जी, आपने क्या बनाया जवाब? सर द फुटबॉल is being played by, the football match is being played by us. Yes sir. जी अब मैं जो बना ले मुझे बता दे पहले, अब मैं फिर बोल रहा हूँ एक और है एक्टिव वॉइस, वो ये है कि he was watching the TV. जल्दी में नहीं करना, सो समझे करो, जल्दी नहीं है, आराम नाम से, सो दिमाग से काम करना। TV. जल्दी में काम गलत हो जाते होते हैं। सर इसका ये बनेगा सर, द टीवी वाज बीइंग वॉच्ड बाय हिम, द टीवी वाज बीइंग वॉच्ड बाय हिम, बाय हिम, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। ये जवाब क्या है सर? मैंने जवाब द टीवी वाज बीइंग वॉच्ड बाय हिम, बाय हिम, बाय हिम,
हाँ ये आपने इसको रटा लगा लिया अभी चीज को कि प्रोनाउन जो चेंज होते हैं आपके, ही चला जाता है हिम में और शी हर में है, दे देम में, वो ही यस में है, आई मी में है, यू यू में रहता है, ये को रटा लगा लें चीजों को। यस सर, दूसरी मैंने बात की थी हेल्पिंग वर्ब्स के, जो ना पैसिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब्स को रटा मार लें आप, ठीक है ना। जैसे यस प्रेजेंट सर, डेफिनेट टेंस के पैसिव वॉइस में इज है, पास्ट कंटिन्यू जो है आपका प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में इज बीन है, ओके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज बीन है। पास्ट में वाज बीइंग, यस सर, आवाज आ रही है आपको? यस सर, आ रही है सर, जी, इज मैं टेंस इज वाइज बोल रहा हूँ, आप समझे, आपको पता चले टेंस कौन सा है, इज है, फिर इज बीइंग है, फिर हैज बीन है, वाज, फिर है वाज बीइंग, और आगे हैड यस बीन, सर, फिर विल हैड बी, विल बी बीइंग, विल हैव बीन। विल बी बीइंग, विल हैव बीन, ये यस सर, नो, आप नो हैपी वर्ड पैसे पैसे रटा मार लें, कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है ना। वर्ब की फॉर्म्स आपने, मैंने कहा था वो आपने मैं नहीं ली बुक, मैंने चले आप आएंगे तो बता देंगे आपको, ठीक है ना। अभी 2 दिन बाद वैसे आपने क्लासेस, आपने अकेडमी आ जाना है, ठीक है ना, एकदम से। तो यस सर, वर्ब की फॉर्म्स आपको बड़ी हेल्प आउट करती हैं आपको ना, वो बुक यहाँ से ले लीजिएगा, मरकज से मिल जाएगी आपको ना, बता दूंगा आपको, याद करना मुझे आप। ओके सर, तो बाकी ये है कि अच्छा चलें आगे चलते हैं, आप मुझे इसको चेंज करो कि आई शैल ड्रिंक वाटर। यस, सर वाटर विल बी ड्रैंक बाय मी, आई शैल ड्रिंक वाटर, क्या बोल रहे हैं? वाटर विल ड्रंक, बी ड्रिंक, इसकी सेकंड ड्रंक थर्ड फॉर्म लगेगी सर, थर्ड ड्रंक फॉर्म, बाय मी, यस सर, वाटर, बिल्कुल ठीक है, वाटर विल बी ड्रंक बाय मी, ड्रंक बाय बिल्कुल मी, यस सर, बिल्कुल ठीक। वाटर विल बी ड्रंक बाय मी, मैं आपको बात करना चाहता हूँ, वो ये है, आपके टेंसेस बिल्कुल पक्के होने चाहिए इसके लिए, टेंसेस आपको पता होना चाहिए कौन सा, फिर आप चेंज कर सकते हैं। फिर दूसरी बात, यस आपको सर, हेल्पिंग वर्ब आपको पता होना, पैसिव वर्ब हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाने हैं आपने, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी है, पता होना चाहिए आपको सब में। फिर प्रोनाउन चेंज होते हैं, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है ना। फिर से मैंने बाई लगता है, पता होना चाहिए आपको, यस साइडें पलट जाती हैं, आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाता है, सब्जेक्ट पे ऑब्जेक्ट आ जाता है, सब्जेक्ट चेंज होकर आखिर में चेंज हो जाता है, चला जाता है, ठीक है ना। ये चीजें हैं समझने वाली सारी। यस सर, चले एक काम करते हैं, मैं आपको कुछ जुमले लिखवा रहा हूँ, आप इसको चेंज करें पैसिव वॉइस में, ठीक है। एक्टिव वॉइस लिखवा रहा हूँ मैं बोले सर, आपको, 5 लिखवा रहा हूँ, आप पांचों को जिसको हो जाए मुझे बता दे, तो फिर दूसरा यस सर, बताएगा इस तरह करना है आपने, या एक एक पहले एक बताएगा दूसरा बताएगा, फिर इस तरह करें, नंबर वाइज चलें बेहतर है, ठीक है ना। चलें ओके सर, ठीक है, पहले शुएब बताएगा, फिर ऐसा जवाब बताएगा, इस तरह एक एक करके बताने आपने। चलें जी लिखें ठीक आप, है, नाउ आई हैव टू नोट यू। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखें आप के दे हैड वॉन द मैच, हैड HAD, दे हैड वॉन द मैच, एक लाइन छोड़ दें आप बनाने के लिए, ठीक है ना, पैसे वाइज के लिए। तीसरी लाइन लिखें आप, तीसरी लाइन लिखें के शी ईट्स एन एप्पल, ही ईट्स एन एप्पल, एक लाइन छोड़ दें। चलें आगे, यस सर, वी हैव टेकन द लंच, वी हैव टेकन द लंच, लंच नंबर फोर, आगे है आई आई टुक द ब्रेकफास्ट, आई टुक द ब्रेकफास्ट, फोर हो गए, फाइव, यस सर, नंबर यस सर, फोर हो गया,
यस सर, फाइव नंबर लिखवाएं। नंबर फाइव पे आ जाएं। You will have completed the work. You will have completed the work. इसको करें आप पैसिव वॉइस में चेंज करें। पांच आपके पास एक्टिव वॉइस हैं, इनको चेंज करें पैसिव वॉइस। एहतियात से, अकल से, जल्दी नहीं करनी है। हो गया नहीं हुआ अभी तक? हो गया सर। कब हुआ? अभी हुआ, पहले क्या करके बैठे हुए हैं?
सर मैं करके बैठा हूँ, जवाब का कर रहा वेट हूँ, कर मुझे रहा बता हूँ। दे, मैंने कहा जब हो जाए मुझे बता दे, मैंने कहा था ना आपको, मुझे नहीं पता चलेगा यस आप सर करिए या कर नहीं लिया किया सर। आपने। हाँ हाँ भाई, जवाब तुमने कर लिया। सर लास्ट रह गया हाँ बताओ शुभ, पहला बताओ, दूसरा ये बता देगा। बताओ जी, पहला पहले सर, एक्टिवेट थे पैसे वाइज। दे हैड वन द मैच, इसका बनेगा द मैच हैड दी बीन, मैच, दी मैच, द मैच हैड बीन वन बाय देम। बिल्कुल ठीक है जी। जवाब दूसरा बताएं आप। यस सर, ये शी इट्स एन एप्पल है सर, इसका पैसिव वाइज है, इसमें चेंज किया है। एन एप्पल इज बीइंग ईट्स बाय हर। नहीं गलत हो गया जी। शिव आप बताएं। सर एन एप्पल इज ईटन बाय हर। यस ये है जी। आप बताएं फिर दोबारा, गलत है जवाब, तीसरा बताएं, तीसरा बताओ, तीसरा जवाब। ओके सर, तीसरा सर, द लंच हैव बीन टेकन बाय अस। नहीं, पहले एक्टिवेट बताओ ना, जी, पहले एक्टिवेट बताओ ना, फिर पैसे वैसे करोगे ना यार। वी हैव टेकन द लंच, क्या है? वी हैव टेकन द लंच, ओके ओके ठीक है। द लंच हैव बीन टेकन बाय अस। नहीं, गलत हो गया जी। आप बताओ शुएब। सर मैंने भी यही बनाया सर, द लंच हैव बीन टेकन बाय हैव नहीं अस, है, हैज आएगा ना, हैव क्यों आएगा हैज बीन है सर। भाई, है ही शीट के साथ आपने, आपको अटेंड से भूल गए हैं आप, ही शीट के इसी साथ आपने हैज लगाना यस है सर, ना ओके सर, भी, ठीक है ऑब्जेक्ट सर, आपका बेजान है ना, इट है ना, तो अब वहां पे आप हैज लगाएंगे ना, हैज तो लगा यस सर, सकते, गलत, दोनों का गलत हो गया ये जी। यस नेक्स्ट बताओ सर। शुएब, नंबर फोर। सर आई टुक द ब्रेकफास्ट, जी, द ब्रेकफास्ट दी वाज दी टेकन दी बाय मी, दी दी टेक दी ब्रेक यस सर, दी ब्रेकफास्ट वाज टेकन बाय मी। बाय मी, बिल्कुल ठीक है जी। पांचवा आप बताओ भी जवाब। सर यू विल हैव कंप्लीट द वर्क, यू दी हैव, वर्क यू यू विल विल हैव हैव कंप्लीटेड द वर्क, कंप्लीटेड कंप्लीटेड द वर्क, जी। यस सर, दी वर्क विल बी नहीं, जी आप जो कंप्लीटेड, आते। यू सर दी वर्क यू विल हैव कंप्लीटेड द वर्क, दी वर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय यू। बिल्कुल ठीक, सर अभी जवाब का थोड़ा मामला कमजोर है। अच्छा यार, प्रैक्टिस कर लो यार, कल आपका टेस्ट है, ठीक है ना। यस सर, ये देखो, ये आपको अभी, आप दोनों एक गलती है, दोनों ने एक जैसी गलती कर दी, हैव लगा दिया आपने, और जैसे हमेशा आपने हैज लगाना है ही शीट के साथ, जैसे अगर भूल गए ना आप तो सारा ही गड़बड़ हो जाएगी, समझ आई ना। यस सर, हाँ, आपको पता है ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपने देखा है यस ये सर, ही शी के साथ आपने हैज लगाना ओके है। सर, अब ऑब्जेक्ट आपका इट है, बेजान चीज है, तो आपने वहां पे हैज लगाना है, हैव नहीं लगाना है। ओके सर, वो तो जिंदा लोगों से लगते हैं, देव यू और आई के साथ जो लोग जिंदा होते हैं उनके साथ हम हैव लगाते हैं ना, तो जो ओके चीज सर, है, जो बेजान है, मोशनलेस है, हमेशा वहां पे हम हैज लगाएंगे, इनका ख्याल करना है चीजों का आपने, तो कल ये आपके टेस्ट में शामिल होंगे, याद रखिएगा, ठीक है ना। यस आपको टेस्ट में शामिल है, वोकेबलरी आपकी शामिल है, टेंसेज आपके शामिल हैं, पार्ट ऑफ स्पीच शामिल हैं, पार्ट ऑफ नेगेटिव स्पीच, सेंटेंसेज आपके शामिल हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेज आपके शामिल हैं, काफी चीजें शामिल है, पार्ट ऑफ स्पीच से लेकर एक्टिव पैसिव वॉइस तक। अब यस सर, एक काम करते हैं, ठीक है, आपके लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा, थोड़ी तैयारी आपकी, रीजन आपकी यहाँ पे हो जाएगी, बाकी आप जितनी घर में बैठ के कर लीजिएगा, इतनी ज्यादा करने आपके फायदा है, आपका मुकाबला दोनों का फर्स्ट पोजीशन के लिए मुकाबला कर, ठीक है ना। तो ये एक टेंस है, बोलूंगा मैं, आपने इसको चेंज करना है नेगेटिव सेंटेंस में, फिर इसको करना है इंटरोगेटिव में, करना सेंटेंस में करना है, और फिर आपने पैसिव वॉइस में करना है, ठीक है। ओके सर, ओके आपके सर, सामने मैं पांच जुमले बोलूंगा, पांच टेंसेस बोलूंगा, आपने उसको पहले नेगेटिव सेंटेंस में करना है, फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस में करना है, आखिर में पैसिव वॉइस में करना है,
सिंपल टेंस से रेड पैसिव वॉइस में, ठीक है, जैसे करते हैं आप। यस सर। शुरू करें। यस सर। आपकी रिवीजन जरा हो जाएगी थोड़ी बहुत, तो बाकी आप ज्यादा घर में कर लीजिएगा प्रैक्टिस, अच्छी तरह मेहनत कर लीजिएगा। जी तो अब मैं बोल रहा हूं आपसे, यू हैव टू राइट इट नाउ। दे हैव, दे हैव गॉन टू मार्केट, दे हैव गॉन टू मार्केट। तीन लाइनें छोड़ दें आप, ओके, तीन लाइनें छोड़ दें। चौथी लाइन भी लिखें आप, नेक्स्ट। यस सर। नेक्स्ट है, ही गोज टू कॉलेज, ही गोज टू कॉलेज। तीन लाइनें छोड़ दें आगे। यस सर। आगे है, आई वेंट टू स्कूल, आई वेंट टू स्कूल। ओके सर। फिर है, तीन लाइनें छोड़ दें आगे। आगे लिखें, वी शैल टेक द मेडिसन, वी शैल टेक द मेडिसन। तीन लाइनें छोड़ दें, कितने हो गए, चार हो गए। यस सर, चार। नंबर फाइव करें, बस फाइव ही दूंगा आपको। फिर है आगे, आप लिखें कि ही इज ड्रिंकिंग वाटर, ही इज ड्रिंकिंग वाटर। अब ये चेंज करें, इसमें आप जिसने मैंने बताया आपको इस हिसाब से चलना है आपने। यस सर। शुरू करते हैं आप, जिसका जब हो जाए किसी का भी बताया हो गया कंप्लीट, ठीक है ना, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि आपने किया है। इसको किस किस में चेंज करना है जी, इसको किस किस में चेंज करना है सर? पहले आपने करना है नेगेटिव सेंटेंस बनाना है इसका, फिर इसको इंटरोगेटिव सेंटेंस में करना है, सिंपल इंटरोगेटिव, नेगेटिव का सिंपल इंटरोगेटिव में करना है। पहले नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस है, फिर पैसिव वॉइस है। ओके सर। इस तरह करना है, तीन इसके स्टेप्स हैं।
दिखा दा पहुंचे अभी आप सर? तीसरा सेंटेंस कर रहा हूँ सर। अच्छा, और अपना जवाब? दूसरा सर। ओह बड़े स्लो जा रहे हैं भैया आप। करें करें करें, बस जल्दी भी नहीं करना, काम सोच समझे करना है, कल से करें, मुझे थोड़ी देर लग जाए, कोई मसला नहीं।
सर मैंने कर लिया है। ओके लेट अस स्टार्ट नाउ। एक एक बताए जाएंगे आप। हमारे कितने जवाब कितने हो गए तुम्हारे? जवाब कितने हुए? लास्ट है सर। हाँ करो ठीक है। हाँ बाप फिर शुरू करो पहले। सर पहला सेंटेंस है कि दे हैव गॉन टू मार्केट, जी इसका सर नेगेटिव है। दे हैव नॉट गॉन टू मार्केट, बिल्कुल ठीक है। इसका इंटरोगेटिव है सर, हैव दे गॉन टू मार्केट, आगे कस्टमर क्वेश्चन है, मार्क। क्वेश्चन मार्क आ गया। यस ठीक सर, है आगे। यस सर। उसके बाद सर इसका पैसिव वाइज है, टू मार्केट हैव बीन गॉन बाय देम, टू मार्केट हैव बीन, हैव क्यों आएगा? नहीं है हैज वेल बीन बीन है सर। वेल बीन वेल नहीं होगा सर, ये तो आपका टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना। यस सर। हाँ यू हैव गॉन टू मार्केट तो आएगा टू मार्केट हैज बीन। हैज बीन सर आपने ना, फिर कोई गलती की दोबारा ना यस सर। भाई। आप बेजान चीज के ये लिए हमेशा जो मार्केट बेजान चीज है ना। बाजार क्या है? बाजार यस सर, खुद चलता है कि हम बाजार जाते हैं? बाजार खुद चलता है। बाजार तो उधर ही होता है, हम हम जाते जाते हैं हैं वहां सर, पे। हम्म, यस सर, तो बाजार बेजान हुआ ना। टू मार्केट हैज बीन गॉन बाय देम। डैम, हाँ जी। दूसरा यस सर, बताओ, दूसरा आप बताओ भाई अपना जवाब। यस सर। ही गोज टू कॉलेज, ठीक है सर, इसको हमने नेगेटिव में चेंज किया है। ही गोज नॉट टू कॉलेज, क्या? ही गोज नॉट टू नो कॉलेज नो गलत हो गया जी। शुभ आपने क्या बनाया? सर, ही डज नॉट गो टू कॉलेज, यस ही डज नॉट गो टू कॉलेज जी। आप बताओ इंटरोगेटिव बनाओ जवाब। यस सर। इंटरोगेटिव, डज ही टू कॉलेज नहीं यार जी आप सर, तो डज कोई ही गो टू कॉलेज, जी। डज शुभ ही गो टू सर कॉलेज, डज ही गो टू कॉलेज, आगे क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क है जी। आप चेंज करो पैसिव वॉइस में जवाब। सर टू कॉलेज इज बीइंग बाय हिम, टू कॉलेज? टू कॉलेज इज बीइंग बाय हिम नहीं आप बताओ शुएब। सर, टू कॉलेज इज गॉन बाय हिम, ये है मामला। गुड जी शुएब। अच्छा जी जवाब नेक्स्ट बताओ। अगला कौन सा है? जी सर। नेक्स्ट बताओ ना लगा। नेक्स्ट नेक्स्ट, ओके सर। आई वांट टू स्कूल, आई वेंट टू स्कूल। आई वेंट टू स्कूल, इसका नेगेटिव बनाया, आई वेंट नॉट टू स्कूल ओ खुदा के बंदे। हाँ जी शुएब आप बताओ। सर, आई डिड नॉट गो टू स्कूल, गुड यस सर, जी। अब इसको चेंज करो गो इंटरोगेटिव टू में स्कूल, जवाब। इसको सर इंटरोगेटिव नहीं आ रहा जी शेब आप बताओ। सर, डिड आई सर इसकी वेंट टू स्कूल क्वेश्चन नो 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 मार्क, नो 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 डिड आई गो टू स्कूल? फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी ना, भूल गए आप। फर्स्ट फॉर्म लगेगी सर, डिड आई गो टू और स्कूल? लिखी जी हुई है सर, जी जी लिखा हुआ है, पैसे यही है, आप बताओ गो टू भाई। स्कूल पैसे लिखा हुआ है बनाओ जवाब। इसके पैसे भाई सर। टू स्कूल, टू स्कूल वांटेड नहीं नहीं बाय नहीं मी नहीं 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 आप बताओ जी शुएब। सर, टू स्कूल वाज गोन बाय मी बाय मी। बिल्कुल ठीक है गुड। आखिरी एक रह गया, सर, दो रहते हैं, दो रहते हैं अभी यस जी। सर, यस सर। हाँ जवाब आप बताओ। ही शेल टेक द मेडिसन, इसका टेकन द नेगेटिव मेडिसिन है सर, जी। वी शेल नॉट टेक द मेडिसन, क्या क्या कह रहे हो? वी शेल नॉट टेक द मेडिसन नहीं, आप बताओ जी शुएब। सर, वी शेल टेकन द मेडिसन, ओ वी शेल यार नॉट टेकन द, ओ मेरी बात सुनो। जुमला आप टेंस भूल गए। वी शैल टेक द मेडिसिन ये है ना। यस सर, वी शैल टेक द मेडिसिन नेगेटिव होगा। वी शैल नॉट टेक द मेडिसिन नेगेटिव। इंटरोगेटिव यही है सर, शैल वी टेक द मेडिसिन क्वेश्चन यही है ना सर, यही मार्क। सर, यही सर, यही बनाया हुआ है सर जो आप क्या बोल कह रहे रहे हैं सर, वी हो? शैल नॉट टेक
मैंने वी बोला था ना, सर जो वी आप, शैल, मैंने क्या बोला था? आर यू गोइंग टू शेल शैल टेक द मेडिसिन, मैंने क्या लिखवाया आपको? वी शैल टेक द मेडिसिन, वी शैल नॉट टेक द मेडिसिन, शैल वी टेक द मेडिसिन, जी यस सर, यही लिखा हुआ है। क्या है ऐसे वैसे बनाओ सर, दी मेडिसिन विल बी टेकन बाय अस, यस बिल्कुल ठीक है। हाँ जी आप बताओ जवाब, आखिरी आ गया आपके पास, आखिरी आप बताओ जवाब। यस सर, ही इज ड्रिंक वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, नहीं नेगेटिव क्या बनाया? ही इज ड्रिंकिंग वाटर, इसका नेगेटिव है सर। खुदा के बंदे आपने क्वेश्चन था, इसका नेगेटिव है। ठीक है ठीक है सर, हाँ आप बताओ ही इज नॉट ड्रिंकिंग वाटर, एक मिनट ठहरो जवाब आप बताओ नेगेटिव। यस ही इज नॉट ड्रिंकिंग वाटर, हाँ ड्रिंकिंग वाटर ठीक है। आप इसको बनाओ इंटरोगेटिव बनाओ जवाब, इसका इंटरोगेटिव है सर, इज ही ड्रिंक वाटर, गलत जी आप बताओ शोएब। इज सर, इज ही ड्रिंकिंग वाटर आगे क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क है। हाँ जी आप इसको चेंज करो जवाब, पैसे वाइज में इसको पैसे वाइज में सर, वाटर वाटर इज बीइंग ड्रंक बाय वाटर, हिम नहीं वाटर वाटर का इज क्या है बीइंग ड्रंक बाय, यार वाटर का क्या वाटर इज बीइंग, हाँ वाटर इज बीइंग, वाटर इज बीइंग drunk by him, by me, I me में चला जाएगा ना? ही है सर, हाँ, ही है सर, शुरू ही है सर, अच्छा him है, by him, ठीक है, फिर him है, by him, ठीक है, ओके, अच्छा, अब प्रैक्टिस करो, ज्यादा प्रैक्टिस करो इसकी, ठीक है ना? टेस्ट इस तरह का भी आ सकता है आपका, याद रखना, ठीक है? जिस तरह मैंने आपसे प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ठीक है? पूरी कमांड हासिल करो इसको, वोकैबुलरी भी है, पार्ट ऑफ स्पीच है, टेंसेस हैं, ओके, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है? और एक्टिव पैसिव वाइज वोकैबुलरी, ओके? यस सर, ओके, मैंने करो यार, मैंने करो, ओके, क्लास इज गोइंग टू एंड नाउ, विश यू गुड लक, ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।